वेलकम फ्रेंड्स, आप सबों का इस रीजनिंग के इस पज़ल के वीडियो एपिसोड में स्वागत है। हम बहुत सारे पज़ल्स बना चुके, मुझे उम्मीद है आपका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ रहा होगा। यह पज़ल का सेट MPSPO प्री 2015 में आया हुआ है। ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट का पज़ल है, लेकिन ये पज़ल पिछले सर्कुलर अरेंजमेंट पज़ल से कुछ हट कर है, कुछ डिफरेंट है। इसमें ब्लड रिलेशन भी इन्वॉल्व है, इसलिए इसे बनाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। आइए देखते हैं। तो आइए इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। चलिए रीड करते हैं। डायरेक्शंस: स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो चलिए रीड करना शुरू करते हैं। 8 पर्संस ए बी सी डी एम एन ओ एंड पी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर विथ इक्वल डिस्टेंसेस बिटवीन ईच अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि 8 पर्संस है ए बी सी डी एम एन ओ पी और एक सर्कुलर टेबल है, एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। अब सर्कुलर टेबल में तो 8 प्लेसेस होंगे ना, तो 8 प्लेसेस ड्रॉ करना है होंगे सर्कुलर टेबल में। और दिया गया है कि दे आर फेसिंग द सेंटर विथ इक्वल डिस्टेंसेस बिटवीन ईच अदर, हर एक के बीच में इक्वल डिस्टेंस का गैप है। ये तो समझ आ गया। और सारे लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, सेंटर की तरफ मतलब अगर मेरे लिए ये एक डेस्क है तो मैं इस डेस्क की तरफ फेस कर रहा हूँ, यानी सेंटर की तरफ, और ये होगा मेरा राइट और ये होगा मेरा लेफ्ट। और अगर आउटसाइड फेस कर रहा हूँ तो ये होगा मेरा लेफ्ट और ये होगा राइट। तो देखिए इनवर्स हो गया ना। तो देखिए बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर में नहीं बैठे हैं जैसा दिया है। तो 8 प्लेसेस बना दिए, एक सर्कुलर टेबल लेकर 8 प्लेसेस बन गए। उसके बाद ईच वन ऑफ देम इज ऑल्सो रिलेटेड टू एन इन सम वे और द अदर। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हर एक इसमें जितने भी है ए बी सी डी एम ओ एंड पी ये सब एन से रिलेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कोई एन के फादर, कोई एन की मदर, कोई एन के सन, कोई डॉटर, कोई ब्रदर, कोई सिस्टर। ये तो समझ गए। चलिए अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। तो हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक टेबल और 8 प्लेसेस भी ड्रॉ कर दिए। सेकंड पैराग्राफ रीड करते हैं। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एन। तो अब एन तो समझ आ रहा है क्या है, एन कोई है और बी भी उसका कुछ है, बी एन का कुछ है। इसका मतलब वो एन का या तो सन होगा, डॉटर, फादर, मदर, कुछ भी हो सकता है, पर बी कोई और नहीं है, एन के फैमिली से ही है। ये तो समझ आ रहा है। तो बी और एन के बीच में 3 का गैप है, देखे तो। और जब भी स्टार्ट करें ऐसा टाइप का कि 2 के बीच में इतना का गैप है, तो हमेशा डाउन टू अप ले। देख लेते हैं। पहले तो सबसे पहले ऐसे टाइप के अरेंजमेंट्स में एन को जो भी स्टार्टिंग रहेगा वो नॉर्थ साउथ से स्टार्ट करिए। तो एन यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, कहीं भी मान सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ करने में हमें सुविधा होगी। देखते हैं 3 का गैप, 1 2 3। 3 का गैप तो है, पर यहाँ से भी देख लेते हैं, 1 2 3। यस, यहाँ से भी यहाँ पर आ रहा है, 3 का गैप है। तो डी को यहाँ ले लेते हैं, बी को। ओनली 3% सिट बिटवीन बी एंड एन। तो बी का प्लेस तो पता चल गया, एन का ये फिक्स प्लेस हो गया और बी का फिक्स प्लेस। तो यहाँ तक तो हो गया। आगे देखते हैं। ओनली 1% सिट्स बिटवीन एन एंड पी। अगर एन यहाँ है और पी यहाँ, तो बीच में सिर्फ 1 का गैप होगा, सिर्फ 1 का। तो देखिए तो यहाँ एन तो पहले से ही मौजूद है, तो दोनों साइड इसका 1-1 का गैप है। यस, और पी के लिए भी दोनों साइड जगह है, तो हमें तो पता नहीं है कि पी कहाँ होगा। चलिए
पी को थोड़ा सा दूर में लिख देते हैं, ये कंफर्म नहीं है हमारे लिए। और सब अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं तो राइट इस तरफ से होगा, यानी अगर गोल भी घूम जाए तो ऊपर वाले के लिए राइट, लेफ्ट होगा। राइट ऐसे और लेफ्ट ऐसे, ये तो ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा अगला सेंटेंस है, एन्स फादर सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, यानी अगर पी यहाँ है तो उसका राइट इस तरफ से होगा, सेंटर राइट, तो इमीडिएट राइट यहाँ पर, तो एन के फादर यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर हम एन्स फादर नहीं सिर्फ फादर लिख देते हैं थोड़े से दूर पर। और क्यों कंफर्म नहीं है कि ये फादर है, क्योंकि पी तो यहाँ भी हो सकता है, तो पी का राइट यहाँ पर, तो यहाँ भी एक फादर लिख देते हैं, इससे आसानी होगी। क्योंकि अगर यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी एक भी मिल गया तो मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है जैसे अगर यहाँ पर एन की सिस्टर होगी, सिस्टर, तो यहाँ तो सिस्टर होगी फादर नहीं, तो ये पी खत्म हो जाएगा और ये फादर हट जाएंगे, तो मतलब पी और फादर का प्लेस कन्फर्म हो जाएगा, समझ गए, इसलिए इससे आसानी होगी। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं, एन्स सिस्टर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन्स फादर, अगर एन के फादर यहाँ है तो उसके थर्ड राइट में, तो राइट तो इस तरफ होगा, सेंटर फेस कर रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो देख लेते हैं, फादर तो यहाँ है, राइट इस तरफ से है, तो देखते हैं, फर्स्ट यहाँ है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सिस्टर यहाँ आ सकती है, तो यहाँ सिस्टर नहीं लिखेंगे, क्यों मैं अभी बताता हूँ। इसको भी देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द राइट, दोनों साइड पी आ रहा है ना, तो अगर सिस्टर यहाँ लिख भी देंगे तो कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि पहले से हमें पी का पोजीशन पता नहीं है, इसलिए हमने लिखा है, और अगर सिस्टर भी लिख देंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए सिस्टर नहीं लिखेंगे, पी को पी ही रहने देंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये पॉइंट अच्छा से याद रखना पड़ेगा। एक चीज तो कंफर्म है कि पी की सिस्टर, अगर पी यहाँ होगा तो उसकी सिस्टर यहाँ, और अगर पी यहाँ तो इसकी सिस्टर यहाँ, तो अभी इस पर बात नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एन्स सिस्टर एंड एन्स सन, सिर्फ एक आदमी एन के सिस्टर और एन के सन के बीच में बैठता है, तो सिस्टर और सन के बीच में वन बैठता है, तो देखिए, तो देखिए, तो अगर सिस्टर यहाँ हो जाएगी, देख लीजिए आप खुद, मैंने कहा था अगर पी यहाँ तो सिस्टर यहाँ, पी यहाँ तो सिस्टर यहाँ, तो दोनों ही साइड से चेक करना पड़ेगा ना, तो सिस्टर और सन के बीच में वन का गैप है, तो एन अपना सन तो खुद नहीं होगा, समझाता हूँ। आप सोचेंगे कि एन यहाँ पर सन क्यों नहीं होगा, यहीं पर क्यों होगा, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बीच में वन का गैप है, यहाँ भी वन का गैप है बीच में, तो कहीं भी हो सकता है, पर यहाँ बोला है एन्स सन, अगर सिर्फ सन लिखता तब कहीं भी हो सकता था, पर लिखा है एन्स सन, एन का बेटा, और एन तो यहाँ पर है, तो ये एन अपना ही बेटा खुद थोड़ी ना हो सकता है, तो सिर्फ ये एक प्लेस बच गया। और अगर आप सोचेंगे कि सिस्टर यहाँ पर होगी तो कहाँ होगा, तब भी तो देख लीजिए, यहाँ तो एन है तो सन तो यही आ रहेगा ना, सिस्टर का प्लेस कन्फर्म नहीं है, पर सन का तो हो गया ना, तो सन का प्लेस कन्फर्म डी ही है, एन का सन, तो सिर्फ सन लिख देते हैं, एन्स लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग एन से ही रिलेटेड हैं, तो सन लिखना ही ठीक रहेगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा। आगे पढ़ते हैं, एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन्स सन, एम एन्स एन के सन के लेफ्ट में थर्ड है, एन का सन तो यहाँ पर है, और राइट अगर यहाँ से ऐसे है तो लेफ्ट तो ऐसे होगा, ऐसे, तो थर्ड लेफ्ट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लेफ्ट, एम विल बी हेयर, एम यहाँ पर होगा, ये कंफर्म हो गया। कोई भी चीज कंफर्म हो जाए तो उसे सामने लिखेंगे, और अगर कंफर्म नहीं हुए तो पीछे लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ओनली थ्री पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एन्स हस्बैंड, एम और एन्स हस्बैंड के बीच में सिर्फ थ्री का गैप है, सिर्फ थ्री का, तो देख लीजिए दोनों साइड से थ्री गिन लेते हैं, वन टू थ्री यानी यहाँ, और यहाँ से भी वन टू थ्री यानी यहाँ, तो यही पर आ रहा है दोनों साइड से, तो हस्बैंड का प्लेस कंफर्म हो गया।
अब कौन है हस्बैंड नहीं पता, लिख ले हस्बैंड यहां पर होगा हस्बैंड। आगे ए सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एन्स हस्बैंड, राइट तो इस तरफ है तो फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड राइट तो ए का प्लेस यहां पर होगा। अब आप सोचेंगे कि यहां तो फादर का प्लेस है और ए क्यों आ गया, तो सुन लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि ए ही फादर हो। यहां तो हमें सिर्फ नाम बताया गया है हर एक का, ये नहीं बताया गया कि कौन क्या है। जैसे आप ही के पापा का नाम है अमर कुमार सिंह, तो अगर उन्हें तो मैं फादर बोलूंगा ना, पर अब वहां पर अगर कोई आकर अमर कुमार सिंह बोल देगा तो ये तो गलत हो जाएगा, दोनों तो सेम ही है। तो इसी तरह से यहाँ भी ए ही फादर हो सकता है, फादर का नाम हो सकता है ए है, तो ये हमें नहीं पता। आगे बढ़ते हैं, एन्स मदर सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, इसका मतलब अगर सी यहां पर है तो एन की मदर उसके ठीक एक ऊपर होगी, मदर, ठीक है। तो ये हम बस ऐसे लिख देते हैं क्योंकि यहां देख लीजिए आप सी के लिए ये तो एक प्लेस है, बस यही एक प्लेस है सी के लिए अभी, और पी का कंफर्म नहीं हुआ है तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तो यहां भी। तो मान लेते हैं सी अगर यहां ले लेते हैं तो मदर तो राइट में होगी ना, राइट तो मदर यहां हो जाएगी, तो ये एक जगह दिख रहा है हमें, पर अभी रुक जाते हैं, हड़बड़ी नहीं करना है। सी इज नॉट द हस्बैंड ऑफ एन, देखे अगर सी यहां लिए होते तो मदर तो यहां, और अगर हम लिख दिए होते तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता क्योंकि सी हस्बैंड नहीं है, देख लिया। अब सी यहां नहीं होगी तो सी यहां नहीं होगा तो कहां होगा, तो सी के लिए तो एक ये प्लेस दिख रहा है और तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि एक ये प्लेस भी दिख रहा है। अगर सी यहां पर हो गया तो पी का प्लेस तो कंफर्म हो जाएगा ना, ये नहीं है, ये तो हो जाएगा, और फादर भी हट जाएगा, मदर आ जाएगी वहां पर, तो सबका कंफर्म हो जाएगा। एक बार इसे लिख देते हैं यहाँ पर, सी को कंफर्म लिख देते हैं और यहाँ पर मदर लिख देते हैं कंफर्म, दूर ही में लिखते हैं क्योंकि मदर का जो भी नेम होगा ए बी सी जो भी होगा यहाँ पर लिखना है, तो स्पेस छोड़ के मदर लिख देते हैं। और पी का अगर प्लेस कंफर्म हो गया तो हम ही चेक कर लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा था अगर पी यहाँ तो सिस्टर यहाँ, ये याद रखने का चीज था, मैंने कह दिया था तो सिस्टर यहाँ पर। तो अब हमें इस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं, इसने मैंने मिटा दिया। तो पी का प्लेस कंफर्म हो गया, पी नजदीक लिख देते हैं और फादर ए ही है फादर, जैसा कि मैंने कहा था ए हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, एन्स डॉटर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, पी के थर्ड राइट में एन की डॉटर, पी के थर्ड राइट में, राइट तो राइट तो इस तरफ से राइट 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 तो थर्ड राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यस थर्ड राइट तो यहाँ डॉटर हो सकते हैं, और वही अगर आप पी यहाँ पर होता तो आप ही देख लीजिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ तो डॉटर होता नहीं, तो इससे भी पी का प्लेस हो गया कन्फर्म और पिछले वाले से भी हो गया था। तो एम इज द डॉटर ऑफ एन, तो डॉटर लिख देते हैं डॉटर। अब लास्ट लाइन है, दी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन्स ब्रदर, एन का कोई ब्रदर है उसके लेफ्ट में है डी, यानी अगर ब्रदर यहां पर है तो डी यहां पर होगा। अब देखते हैं लेफ्ट में होगा तो इस तरफ से तो राइट, राइट ये हो रहा है और लेफ्ट ये, देख लेते हैं कहाँ जगह बची है डी के लिए, तो डी के लिए तो सिर्फ ये एक ही जगह है और ये भी जगह है, तो अब क्या करे, तो फंस गए। यहाँ पर लिखा है एन के ब्रदर के इमीडिएट लेफ्ट, तो अगर एन का ब्रदर इसको बना दे और डी इसको, तब तो हो जाएगा ना। देखिए देखिए, तो अगर पी ही को एन का ब्रदर बना दे उसके लेफ्ट, राइट ये है तो लेफ्ट तो ये होगा ना, लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट डी, और तो कहीं जगह नहीं है, एक डी के लिए ये जगह थी, तो अगर यहाँ कर देते तो लेफ्ट
यहाँ तो सिस्टर है, तो डी के लिए सिर्फ यही एक जगह थी, तो डी यहाँ पर आ गया और ब्रदर यहाँ पर। और अब आप ही देख लीजिए, कुछ बच गया तो यहाँ एक बच गया, तो देख लीजिए आप ही एम एन और पी हो चुका ना, एम एन और पी हो चुका ना, तो ओ बच गया, तो ओ यहाँ पर, ओ इज द मदर ऑफ एन। तो इस तरह से हमने इस अरेंजमेंट को बनाया। चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एन व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एन। ये तो बहुत आसान लग रहा होगा आपको कि पी और एन के बीच में कितने हैं। तो आप देखिए, पी यहाँ, एन यहाँ, बीच में तो वन है ना, तो आप इसका आंसर वन टिक लगाइएगा। पर क्वेश्चन पे ध्यान देना जरूरी है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एन, राइट ये है ना, लेफ्ट ये है, तो लेफ्ट ऑफ एन से काउंट किया जाए, एन और पी के बीच में लेफ्ट से क्या है, तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव पर्सन है ना, तो द आंसर वुड बी फाइव। सेट आइए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन इंफॉर्मेशन। ए इज द सन ऑफ डी। देखिए देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। ए इज द सन ऑफ डी, डी अगर हस्बैंड है एन का, तो अगर ए डी का सन होगा तो एन का भी तो सन होगा, मतलब एन वाइफ है, एन एक वाइफ है, उसका हस्बैंड है, सन है, तो सन तो देखिए, ए इज द सन ऑफ डी। अब छोड़िए किसी का भी सन होगा, लेकिन सन तो बी है ना, ए तो फादर है, तो नहीं होगा, पहला नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। डी यहाँ दोनों तरफ देख लीजिए, सी तो है नहीं, दूसरा भी नहीं होगा। थर्ड नंबर, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अगर बी यहाँ तो थर्ड टू द लेफ्ट कभी नहीं, क्योंकि ये तो फर्स्ट में ही दिख रहा है, और लेफ्ट से ऊपर से और इधर से होगा, तो ये भी नहीं होगा। डी, ऑल द गिवन ऑप्शंस आर ट्रू, ये तो है नहीं, तो बचा खाली ई, ये भी चेक कर ही लेते हैं। ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एन्स हस्बैंड, एन्स हस्बैंड के सेकंड राइट में ए, तो राइट तो इस तरफ से ना, फर्स्ट सेकंड, यस ई वुड बी द आंसर। चलिए और क्वेश्चन बनाते हैं, आइए देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के इमीडिएट लेफ्ट, ये तो राइट है तो ये लेफ्ट होगा, और पी यहाँ तो लेफ्ट, लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट डी। देखिए तो देखिए तो देखिए तो डी नहीं है ना, तो यहाँ देखिए डी तो एन का हस्बैंड है, तो एन्स हस्बैंड आंसर। आइए फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सन ऑफ एन, एन का सन कौन है। देखिए तो देखिए तो बी है ना, वो बी है, बी नंबर ऑप्शन। तो हमारा इस पजल के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी ए से किस कैसे रिलेटेड है। अगर एन के फादर है ए और एन का बेटा है बी, तो डी तो, डी तो ए का पोता हुआ यानी ग्रैंडसन, तो ग्रैंडसन इज द आंसर। ठीक से देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, अगर ए रिलेटेड टू बी, बी पूछ देता ए यानी एन के फादर एन के सन से कैसे रिलेटेड है, तो ग्रैंडफादर हो जाता, पर यहाँ बी का रिलेशनशिप पूछा है ए के साथ, तो इसका मतलब ग्रैंडसन होगा। मैं इसी तरह हर बार आपके सामने नए नए पजल्स लेकर आता रहूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने एग्जाम में पास करें और इस रीजनिंग के सबसे चैलेंजिंग टॉपिक पजल को बनाने में बहुत मजा आ रहा होगा। तो ऑल द बेस्ट।